हेलो आई एम प्रशांत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे प्लॉटिंग पॉइंट्स के बारे में तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चनस करेंगे आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया है तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं पहले क्वेश्चन में पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है माइनस फोर कॉमा थ्री जो कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है बी का कोऑर्डिनेट है थ्री कॉमा माइनस टू और इन दोनों के क्वारेंट्स भी मैंने लिख दिए हैं ये सेकेंड क्वारेंट में है ये फोर्थ कॉर्ड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वारड्रेंट होता है ये सेकेंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्लॉटिंग के बारे में अब अब पढ़ सकते हैं आप इसे तो यहाँ पे लिखा है प्लॉटिंग द पॉइंट्स इज क्लोजली क्लोजली रिलेटेड टू राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स इफ अ सर्टेन पॉइंट लाइज एट ए कॉम इट मीन्स दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस दैट इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज ए यूनिट्स

प्लॉट करना है एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं अगर हमें फ़ोर कॉमो टू प्लॉट करना है यानी फोर जो है वो एक्स वैल्यू है यानी हम ज़ीरो से शुरू करेंगे ओरिजिन से जो कि बीच में है और इससे हम चार यूनिट एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ चार यूनिट ट्रैवल किया गया तो हम चार पे पहुँचें और ये डिस्टेंस चार यूनिट अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस है यानी वाई एक्सिस ये होता है ये वाला तो इससे हम चार यूनिट दूर गए फिर हम दो यूनिट एक्स एक्सिस से दूर जाएंगे यानी हमें ऊपर चलना पड़ेगा दो यूनिट तभी हम एक्स एक्सिस से दूर जाएंगे और वाई एक्सिस के पैरल चलेंगे तो फिर हम जहाँ पे एंड करेंगे अपने इस जर्नी को वहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा वो है फोर कॉमॉ टू तो चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस देख के समझते हैं आप देख सकते हैं इन्हें स्टेप्स में अगर समझें तो यहाँ पे दिया है स्टेप वन आई विल स्टार्ट बाय प्लेसिंग अ डॉट एट द ओरिजिन विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस यानी ये जो पॉइंट जो कि मैंने पहले भी दिखाने की कोशिश की थी ये ओरिजिन होता है जहाँ पर ये दोनों एक्सेस मिलते हैं एक दूसरे से यहाँ पे काफी छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा आपको अच्छे से लिख के यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक्सिस है वो है एक्स और ये जो एक्सेस है वो है वाई ये जो नो जहाँ मिलते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी फिर दूसरा स्टेप है कि हम वी विल मूव द डॉट फ्रॉम द ओरिजिन टू फोर यूनिट्स टू द राइट क्योंकि एक्स की वैल्यू चार थी पिछले क्वेश्चन में तो हम चार यूनिट यहाँ पर ट्रेवल किए उसके बाद हम आगे का स्टेप देखेंगे तीसरा स्टेप ये कहता है कि फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ यानी जहाँ पे हम रुके थे चार यूनिट चल के वहाँ से हमें दो यूनिट ऊपर जाना है पैरल टू वर्टिकल एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस वाई इससे हम पैरल चलेंगे बिल्कुल पैरल पैरल जानने के लिए आप रेलवे के ट्रैक को इमेजिन कर सकते हैं तो यहाँ पे दो यूनिट ऊपर चले और फिर जहाँ पे हम रुके वो कोऑर्डिनेट होता है फोर कॉमा टू यहाँ पे स्टेप फोर में है द फाइनल आंसर वुड लुक लाइक दिस द पॉइंट इज लोकेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और क्वाड्रेंट्स से रिलेट करके पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द टेबल ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द टू पॉइंट्स टू गेट द रेक्टेंगल अब आप देख सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में जो नंबर होता है एक्स का और वाई का वो दोनों पॉजिटिव होता है एग्जांपल है वन कॉमा टू इस क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर होंगे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे उनके जो एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि इधर हमें सारे पॉजिटिव नंबर चलने पड़ते हैं और यहाँ से हम अगर ऊपर जाएँ तो ऊपर भी हमें पॉजिटिव नंबर चलना रहता है ठीक उसी तरह दूसरे क्वाड्रेंट में हमें x वैल्यू नेगेटिव मिलती है क्योंकि इस कॉड्रेंट में जाने के लिए अगर हम जीरो से ट्रैवल करना शुरू करें तो इधर हमें सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और फिर जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो हमें फिर से पॉजिटिव नंबर मिलेगा यानी x वैल्यू नेगेटिव y वैल्यू पॉजिटिव ठीक उसी तरीके से अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट के सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमें जो एक्स वैल्यू मिलती है वो अभी भी नेगेटिव है क्योंकि आप देख सकते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में पहले हम जीरो से एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा और फिर हम जब नीचे आएंगे तो उसमें हमें दोबारा नेगेटिव नंबर मिलेगा इसलिए हमारा ये दोनों आंसर नेगेटिव होगा और मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं तो माइनस वन कॉमा माइनस टू ये पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा और चौथे क्वाड्रेंट में जाएं तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो आप चौथे क्वाड्रेंट में देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे पहले हम पॉजिटिव चलेंगे उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव चलेंगे तो वन कॉमो माइनस टू यानी हमारा पॉइंट यहाँ होगा कहीं तो अब हम अगर इसे रेक्टेंगल बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा और हम एक लाइन टूल की सहायता से इसे बना के समझ सकते हैं अब देख सकते हैं यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया है चारों पॉइंट्स को जोड़ के तो ये रेक्टेंगल बन गया जिसकी यहाँ की लेंथ है आप देख सकते हैं यहाँ की लेंथ दो है और ये लेंथ जो है वो टोटल चार है तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके तो आगे कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं आप अपने आंसर्स यहाँ देख के मैच कर सकते हैं और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विजिट जस्ट ट्यूटर्स थैंक यू